Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest, engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार बेटा क्लियर कर देंगे, वॉइस और ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? है ना, वीडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर है, देन चलिए आगे सेशन को स्टार्ट करेंगे। यस प्लीज। और जैसा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर आज क्विज होने वाला है, है ना, तो क्विज का ऐसा कोई प्लान तो नहीं है। ठीक है, वो जो केस शो कर रहा है बेटा वो आज के लिए नहीं है, वो कल के लिए है। ठीक है, मैं सब कुछ इन्फॉर्म करता हूँ, एक बार आप लोग बस जल्दी से बता देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और थैंक यू मीट। ठीक है, ऑल क्लियर। ठीक है, तो चलिए आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, तो जो आपको एक लिंक दिख रही है सीआरई क्विज सेलेक्टिविटी एंड यील्ड, बेटा ये आज के लिए नहीं है। और कई स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान थे कि सर क्या इस पे यील्ड और सेलेक्टिविटी पे न्यूमेरिकल्स नहीं कराएंगे, क्योंकि मॉर्निंग वाली न्यूमेरिकल क्लास नहीं चल रही है। तो बेटा कल के दिन ऐप में एक क्लास रखी है और ये क्विज बस इस फॉर्म में है कि आपकी दो क्लास होंगी। पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन की एक क्विज दूंगा और उन 10 क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करूंगा। अगर मैं बिना क्वेश्चन की आप लोगों से कुछ मतलब आप लोगों को बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए, यील्ड सेलेक्टिविटी में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे और आज यील्ड भी पढ़ा दूंगा, तो जस्ट कल एक क्विज होगी 10 क्वेश्चन की जो सिर्फ 25 मिनट की रहेगी अप्रॉक्स। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं जस्ट स्टार्ट करूंगा उसका डिस्कशन।
तो पूरे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा एल्ड एंड सिलेक्टिविटी के। तो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्शंस जो हम लोगों का होता था, और इस टाइम पे मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, सिर्फ एक क्लास प्लस की ले रहा हूँ, एक क्लास यूट्यूब की ले रहा हूँ। तो इसी क्लास को कल के दिन हम लोग यूट्यूब में ना करके हम लोग बेटा कल की क्लास ऐप में करेंगे और वहां पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्विज आप लोगों को दूंगा, उस क्विज में 10 क्वेश्चन होंगे, वो 10 क्वेश्चन आप लोग पहले आंसर करेंगे, फिर 1 आवर में उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो अपना जो कल का 90 मिनट रहेगा, तो कल हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, और क्विज बस इसलिए ताकि एक टाइम बाउंडेशन में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, आप कैसे आंसर कर पाते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसको कैसे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो बस इस सारी चीजों के लिए, ठीक है, आपके इंप्रूवमेंट के लिए क्विज का नाम दे दिया जाता है। और बाकी मेन मोटो हमारा क्या है, बस क्वेश्चन को सॉल्व कराना, नंबर ऑफ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराना, न्यूमेरिकल अप्रोच को स्ट्रॉन्ग करना, मेन मोटो हमारा वही है। तो कल के दिन आप इस लिंक पे क्लिक करके आप एनरोल कर देंगे, ठीक है, जो लिंक आपको ऊपर पिन कमेंट में दिख रही होगी, ठीक है, जो आपको ये कमेंट में दिख रही होगी, सबसे ऊपर आपको एक लिंक दी गई होगी, उसको आप जस्ट क्लिक करिए, और क्लिक करके आप उसे क्या करिए, जस्ट एनरोल कर दीजिए। योगेश ठीक है, मतलब मेरी तबीयत नहीं खराब है, बस जो है वो बोलने में पेन होता है ना, क्योंकि गला पूरा खराब हो गया है चिल्लाते चिल्लाते, तो बस वो प्रॉब्लम है, और कोई ऐसा थोड़ी है, मुझे फीवर है या कुछ और तबीयत खराब है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, चलो बाकी सब ओके है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को, संकल्प बैच में सीआरई पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 22, और बस एक ही लेक्चर इसमें और बाकी है, और इसके बाद हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा पार्ट 3 नॉन आइडियल रिएक्टर, उसके बारे में भी आज आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, केबीसी के बारे में भी आज इन्फॉर्म करूंगा, सब कुछ आज हम लोग बात करेंगे, इसके बाद लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, सुनेगा। तो बेटा लेक्चर नंबर 22 और जीत का संकल्प लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई स्टूडेंट यदि फर्स्ट टाइम मेरी क्लास कर रहा है तो जस्ट उसको इन्फॉर्म कर देता हूँ, बेटा मैं शैलेन कुमार, और मैं आप लोगों को अभी सीआरई केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग विद फीलिंग डील कर रहा हूँ, बिकॉज हमारे लिए फीलिंग इंपॉर्टेंट है, और मैं हर ईयर का एक एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बीटेक का, जिसमें फर्स्ट ईयर से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सेकेंड ईयर वालों के लिए प्रोसेस कैलकुलेशन जिसे हम लोग मटेरियल एनर्जी बैलेंस बोलते हैं, थर्ड ईयर वालों के लिए बेटा सीआरई केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, और फाइनल ईयर वालों के लिए प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट मैं आप लोगों को डील करने वाला हूँ, और टोटल मुझे 13 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, और ये अब 14 ईयर चल रहा है, और जिसमें से 6 ईयर से मैं गेट फील्ड के स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ, आप लोगों को डिफरेंट केमिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट टीच कर रहा हूँ, ठीक है, और जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ रहा है, मेरी टीम बढ़ रही है, तो मेरे सब्जेक्ट कम होते जा रहे हैं, हम लोग ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और यहां से मैं चाहता हूँ पूरे इंडिया को कवर करें, और हर स्टूडेंट के पास मेरी टीम का नाम, मेरे टीम के नोट्स, मेरे टीम के लेक्चर होने चाहिए, जिससे कि आप लोग केमिकली टेक्निकली इतने स्ट्रांग हो जाए कि जैसे किसी बच्चे को इंटरव्यू में जाने में डर लगता है ना, वो डर खत्म हो जाए स्ट्रांग फीलिंग के साथ। हम लोग खुद डरते थे जब इंटरव्यू के लिए जाते थे, लेकिन ये डर ना आपके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डर के आगे तो जीत है ना, तो इसलिए डर खत्म करेंगे और बिना डरे हुए जाएंगे, तब जीत हासिल करके लौटेंगे। और ये पैंडेमिक इफेक्ट जिस दिन एंड होगा ना, उस दिन से हमारी वैकेंसी आना स्टार्ट होंगी, और इस इफेक्ट में ना हमें रोना नहीं है, हमें अपने आप को स्ट्रांग करना है, स्ट्रांग करना है अपनी इम्यूनिटी को भी, स्ट्रांग करना है अपने नॉलेज को भी, अपने आप को भी, और तब हम जाके फाइट कर पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया है, और इस दुनिया में वैकेंसी, केमिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में ना वैकेंसी कम होंगी, फाइटर ज्यादा होंगे, और आप तभी फाइट करके आगे बढ़ पाएंगे जब आप टेक्निकली स्ट्रांग होंगे, जब आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होगा कि मैं किसी को भी हरा सकता हूं, तब आप स्ट्रांग होकर आगे मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। तो बेटा ये मेरा कोड है SKS50, और इस कोड के साथ आगे आप मूव करेंगे, इस कोड के साथ आगे मूव करेंगे, तो ये कोड से आपको 10% का डिस्काउंट किसी भी कोड से मिल सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको यहां से हमारी फीलिंग की बात करनी है, हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करनी है, हमारे आपके बीच के एक ब्रिज की बात करनी है, तो बस वो कोड इसलिए यूज करना है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ यहां से। तो ये बेटा न्यू बैच स्टार्ट हुआ था 12 मई को, और अब जो न्यू बैच आएगा वो नेक्स्ट 10 जून के आसपास कुछ आने का चांस है, जिसमें त्यागी सर थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे, और उस बैच में सुमित सर आपका केमिकल टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप यहां से कंटिन्यू करिए,
यहां से कंटिन्यू करिए और इस बैच के साथ सुपर फॉर्म में बढ़िए। और प्रोसेस कैलकुलेशन के अभी 6 लेक्चर हुए हैं, लेकिन जो जिन बच्चों ने लेक्चर अटेंड किए आप उनसे एक बार फीडबैक ले लीजिए और फिर आगे सुपर फॉर्म में मूव करिए। और ये आज का बेटा शेड्यूल है, और आज आप लोगों को मैं जस्ट इन्फॉर्म कर दूं कि जो योगेश त्यागी सर की कंडक्शन की क्लास होती है ये क्लास आज नहीं हो पाएगी, क्योंकि 8 बजे से आज मास्टर ब्लास्टर सीरीज होने वाली है। ठीक है, तो इस क्लास की वजह से आज त्यागी सर की जो 7:30 बजे वाली क्लास है हीट ट्रांसफर की, आज मे भी ये नहीं हो पाएगी, और मे भी नहीं ये नहीं हो पाएगी। और 8 बजे से आप लोगों को आज त्यागी सर का मास्टर ब्लास्टर सीरीज सेशन अटेंड करना है। आज सुमित सर के अभी 3 बजे से जो क्लास थी, अल्कोहल एंड ब्रेवरेज इंडस्ट्री जॉब का, वो नहीं हो पाया है, कोई टेक्निकल इशू है कानपुर में, और मे भी हो सकता है तब तक अगर रिसॉल्व नहीं हो पाए तो शायद मनीष सर की क्लास भी इफेक्टेड हो सकती है। तो अगर वो अफेक्ट होती है तो शायद उनकी क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि YouTube वाले सेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग जस्ट थोड़ा सा देख लेंगे कि क्लास हो पाती है या नहीं। ठीक है, चलिए बाकी जो क्लासेज हैं वो वैसे चलते रहेंगे। अच्छा, 9 PM सुमित सर की जो रियाज, मतलब बिगेस्ट सरप्राइज आप लोगों के लिए कुछ सुमित सर ने रखा था, तो आज एक क्लास होनी थी रियाज की, देखते हैं वो पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं। और जब जैसे ही टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आगे की क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। चलिए, तो फिर आगे हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। और ये लेक्चर नंबर 1 नॉन आइडियल रिएक्टर आपको दिख रहा होगा, लेक्चर नंबर 1 नॉन आइडियल रिएक्टर सीआरई पार्ट 3। और पीछे बैकग्राउंड भी आपको दिख रहा है क्या, कोई नॉन आइडियल रिएक्टर लगा हुआ है? हाँ, तो ये एक सुपर फॉर्म में ना हम लोग नया सीआरई का पार्ट स्टार्ट करेंगे नॉन आइडियल रिएक्टर का। और यहां से ना जिन भी स्टूडेंट्स की आइडियल रिएक्टर या जिन्होंने काइनेटिक्स वाला पार्ट मिस किया है ना लाइव में, वो यहां से कंटिन्यू करेंगे। और उसका डेट भी मैंने दे दिया, मैंने पहले बोला था कि आपको नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है यार, 2 दिन नहीं रेस्ट करूंगा और मैं पढ़ाऊंगा, सिर्फ सैटरडे संडे का एक रेस्ट ले रहा हूँ। सैटरडे कल भी आप लोगों की क्लास रखी है, और मंडे को हमारा इस यील्ड और सिलेक्टिविटी का लास्ट लेक्चर होगा, पार्ट 2 सीआरई का लास्ट लेक्चर होगा, और पार्ट 3 सीआरई आपका नॉन आइडियल रिएक्टर बेटा 26 मई से मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जितना जल्दी सिलेबस होगा उतना बेटर होगा, तो आप ना सारे लोगों को पहले तो इन्फॉर्म कर देंगे सारे। आज तो मनीष सर का न्यूमेरिकल सेशन है बेटा, देख लेना जो भी है। अगर YouTube सेशन है तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि YouTube वाले सेशन में थोड़ा सा आज टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए सेशन नहीं हो पाया था। तो आप एक बार 6 PM पे चेक कर लेना, है ना, अगर होगा तो अच्छी बात है ये, और अगर नहीं हो पाया तो मनीष सर आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्लास यहां से ना हर बच्चे को बेटा लाइव अटेंड करना, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये नॉन आइडियल की फीलिंग मैं तभी दे पाऊंगा जब मैक्सिमम स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे। चलो ठीक है, तो केबीसी 2 के बारे में मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ, फ्राइडे को होने वाला है, और मैंने बोला था इस फ्राइडे को मैं नाम अनाउंस करूंगा। तो आज नाइट में 10 बजे आप लोगों का एक शॉर्ट्स आएगा यूट्यूब में, जिसमें मैं नाम अनाउंस कर दूंगा, जिसमें मैं बता दूंगा कितने लोग सिलेक्ट हुए थे, कितने कितने लोग हैं, क्या कैसे होने वाला है। तो वो पूरा शॉर्ट्स आप लोगों को नाइट में 10 PM पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग उसमें अपना नाम देख लेंगे कौन कौन सिलेक्ट हुए, और 1 वीक का टाइम है, गजब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस बार थोड़ा सा मैं एडवांस सीआरई की बात कर रहा था ना, तो लेवल अच्छा होगा, क्वेश्चन का उतना ही जी नहीं होगा जो फर्स्ट टाइम हुआ था। तो 1 वीक आराम से वो सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर लेंगे मैं सबसे कनेक्ट करके, और फिर इसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे को ये सेशन आगे कंटिन्यू करेंगे। इसलिए जो हमारा क्वालिफायर राउंड होता था सैटरडे को, वो वाला ना होके मैंने न्यूमेरिकल सेशन लगाया सैटरडे को, तो वो सब मैनेज करते हुए हम लोग मस्त फॉर्म में चल रहे, बस जस्ट आप लोग फॉलो करते जाइए और मजे लीजिए। चलिए, तो आज का पार्ट में स्टार्ट करता हूँ यील्ड, और आज क्या बात करनी थी। अच्छा, सर्कल लिखा हुआ है क्या ये? चलो, तो हम लोग बोर्ड में आ जाते हैं, और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। सुनेगा, हम लोग बोर्ड में आ जाते हैं और बोर्ड से आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, हाँ भाई, अटेंडेंस लगा दो, सिर्फ 49 लाइक्स हैं और 65 लाइव हैं। ठीक है, तो चलो, नॉन आइडियल रिएक्टर गजब पढ़ेंगे। जयस, आप आते हो और गायब हो जाते हो, ये नहीं चाहिए नॉन आइडियल रिएक्टर से, ये नहीं चाहिए, पूरी देर आप मुझे लाइव चाहिए। ठीक है, और आप ही नहीं, सारे स्टूडेंट लाइव चाहिए। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सुनेगा,
स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। और यहां से हम लोग बात कर रहे थे यील्ड की, और जस्ट 5 मिनट में मैं आप लोगों को एक रिवाइज करा देता हूं। यील्ड हम लोगों ने कल यील्ड की बात की थी फाई की, और फाई हम लोग बोल रहे थे डिजायर्ड अपॉन टोटल, और डिजायर्ड अपॉन टोटल में हम लोग बात कर रहे थे एनआर माइनस एनआर नॉट, और टोटल कितने मोल्स वहां पर कंज्यूम हुए होंगे, तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा एनए नॉट माइनस एनए। और सीवीआरएस के लिए हम लोग बात कर रहे थे फॉर सीवीआरएस, तो यहां से हम लोगों ने निकाला था फाइव आर बाई ए इक्वल टू सी आर माइनस सी आर नॉट अपॉन सी ए नॉट माइनस सी ए। और इसको बेटा सॉल्व किया था तो हमारा एक फॉर्मूला आया था, सी आर इक्वल टू सी आर नॉट प्लस फाइव आर बाई ए सी ए नॉट इन माइ सी ए नॉट इंटू एक्स ए, या फिर इसी को हम लोग बोल रहे थे सी ए नॉट माइनस सी ए। ठीक है, अगर मैं बोल दूं बेटा इसी तरह, अगर हमारी रिएक्शन आपकी ये है कि ए गिव्स टू आर और ए गिव्स टू एस, आर डिजायर्ड है एस अनडिजायर्ड है, तो हम अनडिजायर्ड के लिए भी ऐसा लिख सकते हैं सी एस इक्वल टू सी एस नॉट प्लस फाई, और आर बाई ए की जगह हो जाएगा क्या बेटा एस बाई ए, आर बाई ए को हम रिप्लेस कर देंगे एस बाई ए सी ए नॉट इंटू एक्स ए। तो ये दोनों पार्ट हमारे सही है, और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये बेटा डिजायर्ड के लिए है, और ये हमारा अनडिजायर्ड के लिए, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात को गौर से सुनिएगा, फील करिएगा। अगर हम लोग डिजायर्ड प्रोडक्ट की बात करेंगे, सुनिएगा बेटा, अगर हम लोग डिजायर्ड प्रोडक्ट की बात करेंगे तो डिजायर्ड प्रोडक्ट ये सी आर नॉट जो इनिशियल कंडीशन प्रेजेंट होगा प्लस फाई आर बाई ए सी ए नॉट इंटू एक्स ए, एक्स ए कन्वर्जन है किसका ए का। अब सुनिएगा रिएक्शन हो रही है बेटा ए गिव टू आर और ए गिव टू एस, रिएक्शन ये हो रही है, जो इसका कन्वर्जन हो रहा है वो है हमारा एक्स ए। इससे मतलब नहीं है कि इसका जो कन्वर्जन एक्स ए है वो आर में हुआ है कि एस में हुआ है, ए को इससे मतलब नहीं है। ए क्या बोलेगा, ए ये बोलेगा मुझे जिसकी तरफ फेवरेबल कंडीशन दिखेगी मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा। ए क्या करेगा, ए ए ए उस चुनावी मुद्दे का वो वोटर है जिसको जहां पे फायदा मिलेगा वहां चला जाएगा, आजकल का इंडियन वोटर, है ना, पढ़े लिखे होकर भी उसको इससे फर्क नहीं पड़ता क्या बेटर है, ना उसे ये पता नहीं कि ये डिजायर्ड है या हमारे देश की जरूरत है, इसको इससे मतलब नहीं है। अगर उसको अपना फायदा यहां पर दिख रहा है ना एस की तरफ, तो भाई साहब वो ए ना एस की तरफ मूव कर जाएगा, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे देश की जरूरत ये है, हमारा डिजायर्ड ये, तो वो क्या करेगा, वो जस्ट वेट करेगा उस पॉइंट का जहां से उसे अपनी फेवरेबल कंडीशन दिख जाए, अच्छा इससे मुझे फायदा है, ये पार्टी कैसी भी हो इससे मेरा पर्सनल फायदा है, मैं इसकी तरफ मूव कर जाता हूं। तो ये हमारा देश का वही वोटर है, यही वोटर है ए, जो हमारा कन्वर्जन तो देता है, मैं कन्वर्ट होऊंगा, मैं वोट डालूंगा, लेकिन वोट कहां डालूंगा, जहां से मेरा पर्सनल प्रॉफिट होगा, दैट मींस जहां मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन होगी। तो बेटा इसको ना, इसको ये एहसास दिलाना पड़ता है आपको, इसको ए को ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप जब इसकी तरफ मूव करेंगे ना, आप इसको आर को वोट करेंगे ना, अपना मैक्सिमम कन्वर्जन आर की तरफ करेंगे ना, तो आपका ये डिजायर प्रोडक्ट बनेगा और ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, ये हमारे देश की जरूरत है। अगर ये जरूरत है तो बेटा इस ए को एहसास कराना पड़ेगा कि आपको इसको ही वोट देना है, आपका कन्वर्जन इसकी तरफ होना चाहिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बोल रहा है कि मेरा कन्वर्जन एक्स ए होगा, अब मेरा कन्वर्जन जो एक्स ए होगा वो किधर भी होगा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां मेरा फायदा होगा वहां होगा, तो इसको यह एहसास दिलाना पड़ता है कि आपका फायदा बेटा यहां से, और हम आपको तभी यूज करेंगे, आपकी हेल्प तभी लेंगे जब आप ए से आर का कंजन प्रोडक्शन करेंगे, एस का नहीं करेंगे, तो ए बोलेगा मेरा क्या फायदा है, तो उसको आप बताएंगे कि आपकी फेवरेबल कंडीशन हम यहां लगाएंगे, आपको ज्यादा टेम्परेचर की नीड है मैं ज्यादा टेम्परेचर दूंगा, आपको हायर कंसंट्रेशन की नीड है मैं हायर दूंगा, आपको लोअर की नीड है मैं लोअर दूंगा, आपको कैसे रिएक्टर चाहिए, आपको कैसे अपनी सुटेबिलिटी के लिए रिएक्टर चाहिए, आप किसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं पीएफआर में या एमएफआर में, मैं आपको वो दूंगा, और जो उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन बनाएगा उसकी तरफ एक कन्वर्जन हो जाएगा, तो ये कन्वर्जन तो करेगा,
अब हो सकता है एक ही फैमिली में नंबर आप मोस्ट होंगे, भाई बहुत सारे मोस्ट होंगे ना, लेकिन कुछ कुछ को लगता है कि इधर जाने में फायदा है तो इधर चले जाएंगे। मे भी कुछ मॉलिक्यूल आप उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि वोटिंग करने जाएंगे तो वहां कोई देख नहीं रहा होता कि आपने वोट किसको दिया, आर को या एस को। तो कुछ हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं कि ठीक है मेरा पर्सनल फायदा एस की तरफ है, तो कुछ मूल एस की तरफ मूव कर जाते हैं और कुछ मूल हमारे आर की तरफ मूव कर जाते हैं। बस बेटा यही यहां पर होता है, यही यील्ड में होता है, और कुछ आर की तरफ कुछ एस की तरफ। एस को आप रोक नहीं सकते, जीरो नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमम कर सकते हैं, तो बस वही करना होता है। तो आप समझिएगा, अब एक्स से जो भी हो, एक्स से जो भी हो, 80% 90% 100% 20% 30% एक्स से फिक्स है। सुनिएगा, अब यहां से ये एक्स से फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये फिक्स है, एक्स से फिक्स है। सी ए नॉट इनिशियल जो मोल्स लिए वो फिक्स है, कम है या ज्यादा है मुझे इससे फर्क नहीं है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कम हम ले रहे हैं या ज्यादा ले रहे हैं, अभी मैं MFR और PFR अलग अलग रिएक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट अभी इस बात की बात कर रहा हूं कि हमारा सी ए नॉट फिक्स है, इनिशियल मोल्स ऑफ ए है, ये फिक्स है। अब बेटा ये दोनों फिक्स है, तो ये पूरी वैल्यू फिक्स है, ये पूरी वैल्यू फिक्स है। इनिशियली कितने आर के मोल्स थे, कितने एस के मोल्स थे, ये फिक्स है, समझिएगा, ये फिक्स है और ये भी दोनों फिक्स है। तो सी आर और सी एस, कंसंट्रेशन ऑफ आर या मोल्स ऑफ आर, कंसंट्रेशन ऑफ एस या मोल्स ऑफ एस किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ फाई पर। कंसंट्रेशन ऑफ आर, कितने आर के मोल का फॉर्मेशन होगा उसकी यील्ड पर, कंसंट्रेशन ऑफ एस, कितने एस के मोल का फॉर्मेशन होगा उसकी यील्ड पर। तो ये यील्ड डिसाइड करती है कि आर और एस का फॉर्मेशन कैसा होगा। तो बेटा मेरा एम क्या होगा, सुनना, मेरा एम क्या होगा, मेरा एम होगा कि ये जो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं ना, इसमें से जो इसकी बात कर रहे हैं ना, ये मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब हमारा एम क्या होगा, हमारा एम होना चाहिए यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, लिख लो आप भी, स्टार बना के लिख लीजिएगा ये दोनों फार्मूला, कल यहां तक लिखाया था, उसके बाद ये फार्मूला लिखिए और स्टार बना के लिखिएगा, यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट शुड बी हाई, यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट शुड बी मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम डिजायर प्रोडक्ट, फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट, ऐसा लिख दीजिए, या फॉर मैक्सिमम डिजायर प्रोडक्ट, जो मर्जी वो लिख दो। क्या हुआ एंग्री बॉय, आज फिर से आपको आना पड़ा, आज कहीं और ड्यूटी नहीं लगी आपकी, क्या हुआ बेटा एंग्री बॉय, बेटा या भाई या सर, क्या बोल दूं यार, क्या बोल दूं, चाचा जी बोल दूं, अरे चाचा जी आज और कहीं ड्यूटी नहीं लगी क्या, फिर आपको यहाँ ड्यूटी देने आना पड़ा, कितनी केयर करते हो यार आप लोग, मेरे यहाँ नीड है एक की, आज आओगे, एड्रेस दूं, आना हो तो बताना बेटा, एड्रेस दे दूंगा, बेटा भाई सर जो भी है ना, उनसे ज्यादा दे दूंगा, है ना, आना है बता देना, ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, इतना हो गया ना। तो यील्ड ऑफ डिजायर प्रोडक्ट शुड बी मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ द डिजायर प्रोडक्ट, फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ द डिजायर प्रोडक्ट। ठीक है यार, उनको भी थोड़े मजे कर लेने दो, है ना, क्या करें, टाइम पास नहीं होता, वेट करते हैं 4 बजे तो हम चले, और भुलक्कड़ भी बहुत है, कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी तो आ जाते हैं बट कभी कभी भूल भी जाते हैं। अरे एंग्री बॉय अगर पढ़ने आए हो ना तो फर्जी की बातें मत करो, और मैंने उस दिन बोला था, आप सभी लोगों को बोलता हूं, अगर रियल स्टूडेंट हो ना कॉल कर लेना, सर नंबर ढूंढ लो, ठीक है, कॉल कर लेना, अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकते हो, क्या पढ़ने आए थे आप, क्या पढ़ने आए थे बताओ, आइडेंटिटी नहीं बता पा रहे हो आप अपनी, दूसरी आइडेंटिटी से आप आ रहे हो, क्या पढ़ने आए थे, अगर रियल बच्ची हो ना तो आप मुझे मैसेज करना, आज कॉल करना 8 बजे के बाद मैं फ्री हूं, कॉल करना 8 से 12, 1-2 बजे तक, जब तक आप फ्री हो, ठीक है, कर लेना कॉल, चलो ठीक है, पढ़ने आए हो चुपचाप पढ़ाई करो अगर स्टूडेंट हो तो, और अगर जॉब निभाने आए हो तो ठीक है करो जॉब, ठीक, चलो आगे बात करते हैं। बेटा नहीं पता चलता कि आप रियल हो या नहीं, लेकिन फर्जी कमेंट नहीं चाहिए मुझे, आप रियल हो, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की तरह बिहेव करो, ठीक है,
बाकी किसी के ऊपर कमेंट नहीं, आप चुपचाप पढ़िए, नोट्स बनाइए, कुछ सीखना है सीखिए, अगर लगता है सीखने को मिल रहा है तो रुकिए, नहीं लग रहा मोस्ट वेलकम, आप किसी दूसरे सेशन में जाइए, उन सेशन में जाइए जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको मजे दिखाए जाते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको एंजॉय कराया जाता हो, आप वहां जाइए, ठीक है, यहां मत आइए आप, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं चाहिए मुझे, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं चाहिए जो डिस्टर्ब करे। चलिए अब यहां से बेटा हम लोग बात कर रहे थे यील्ड की, तो फिर यील्ड अब हम लोग बात कर लें, अगर यील्ड की बात कर रहे थे तो फिर हम बात कर लें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिएक्टर के लिए। तो कल मैंने आप लोगों को एक चीज लिखाई थी, मैंने कल आप लोगों को एक हेडिंग लिखाई थी कि हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंस की और हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कन्वर्जन एंड यील्ड, और हम दोनों को एक जैसा ही पढ़ते हैं, कन्वर्जन भी हमारा सर 0 से 1 के बीच में होता है, सर कन्वर्जन भी 0 से 1 के बीच में होता है, कन्वर्जन 0 नहीं लेते, 1 नहीं लेते, अच्छा 1 हो सकता है कई बार, ऐसा नहीं कि कभी नहीं लेते, 1 हो सकता है कई बार, लेकिन किस केस में, समझ रहे हो, किस केस में 1 सिर्फ और सिर्फ उस केस में हो सकता है जब उसके लिए 100% कन्वर्जन पॉसिबल हो, और अगर रिएक्शन हो रही है, अगर रिएक्शन हो रही है 0 से 1 के बीच में कुछ कन्वर्जन होगा और कुछ केसेस में 1 भी हो सकता है। तो पहला डिफरेंस तो ये समझ में आता है कि सर यील्ड कभी भी 0 और 1 नहीं हो सकती, लेकिन कन्वर्जन आपका 0 होता है और 1 होता है, 0 तब होता है जब हम फीड कंसीडर करते हैं, 1 तब होता है जब एग्जिट कंसीडर करते हैं, और 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 0 कई बार नहीं लेते हैं कन्वर्जन को, क्योंकि अगर 0 ले रहे हैं मतलब उस टाइम तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद की कंडीशन की बात करें तो कन्वर्जन 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, बट 1 हो सकता है, लेकिन यील्ड कभी भी ना ही 0 हो सकती ना ही कभी 1 हो सकती, दोनों में ओपन इंटरवल आता है, कल मैंने आपको ये चीज बता दी थी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप मुझे बताइए और क्या डिफरेंस है, सिमिलरिटी तो मुझे समझ में आता है कि दोनों 0 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सुनिएगा, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक रिएक्शन हो रही है A गिव्स टू R और A गिव्स टू S, एक रिएक्शन हो रही है A गिव्स टू R, एक रिएक्शन हो रही है A गिव्स टू S, तो जब बेटा R और S के टर्म में बात करें तो कन्वर्जन हमारा रिएक्टेंट के लिए डिफाइंड है, कन्वर्जन हमारा रिएक्टेंट के लिए होता है जिसको हम बोलते हैं XA, और यील्ड हमारा प्रोडक्ट के लिए होता है, यील्ड हमारा प्रोडक्ट के लिए होता है phi R by A और phi R by S। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यील्ड और कन्वर्जन, बेटा रिएक्टेंट लिख दिया मैंने, यील्ड और कन्वर्जन, ठीक है, जो कन्वर्जन है वो रिएक्टेंट के लिए डिफाइंड है और जो यील्ड है वो हमारा प्रोडक्ट के लिए डिफाइंड है, जो यील्ड है वो हमारा बेटा प्रोडक्ट के लिए डिफाइंड है, समझ में आ गया, और हम लोग प्रोडक्ट के टर्म में ये बेटा आर और एस जो भी हम लोग लिखते हैं, एस बाई ए जो भी हम लोग लिखते हैं, ये प्रोडक्ट की ही तो टर्म है, विद रिस्पेक्ट टू इनिशियली जो भी हमारा ए का कन्वर्जन हो रहा होगा, ए के मोल्स का जो भी हमारा वहां पर वेरिएशन हो रहा होगा उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, बट ये किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए डिफाइंड होता है और ये रिएक्टेंट के लिए डिफाइंड होता है। अब सुनना, रिएक्टेंट मैक्सिमम जितना प्रेजेंट होगा, मैं बेटा कमेंट आप लोगों के बाद में देखता हूं, ठीक है, अभी बस सुनते जाइएगा समझते जाइएगा, जितना भी प्रेजेंट होगा कन्वर्जन, जो भी कन्वर्जन हो रहा होगा वो जितना भी रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा उसके बेसिस पे बात हो रही होगी, और रिएक्टेंट के एंड होते ही हमारा कन्वर्जन 100% हो जाएगा, रिएक्टेंट के एंड होते ही कन्वर्जन हमारा 100% हो जाएगा। और प्रोडक्ट के टर्म में बात करें यील्ड की, तो यील्ड का बेटा जो प्रोडक्ट होता है वो कुछ हमारा डिजायर्ड में कन्वर्ट होगा, कुछ हमारा अनडिजायर्ड प्रोडक्ट होगा, और यहां के लिए हम क्या बोलते हैं, सुन आप दोनों में डिफरेंस समझा, हम जब कन्वर्जन की बात करते हैं तो कितना कन्वर्ट हो गया प्लस जितना अनकन्वर्टेड पार्ट है उन दोनों का सम 1 होता है, और यील्ड के केस में जो भी डिजायर्ड और अनडिजायर्ड होता है उनका सम 1 होता है, समझ में आया, सुनिएगा, अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैं एक पॉइंट और लिखूंगा यहां पर कि जितना भी कन्वर्ट हो गया और जितना भी अनकन्वर्टेड पार्ट है उन दोनों का सम जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि टोटल अगर 1 है तो जो भी हमारा कन्वर्टेड होगा, कन्वर्टेड प्लस अनकन्वर्टेड इक्वल टू 1, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, XA प्लस F इक्वल टू 1, आपको याद आया क्या,
आपको शायद याद आ गया होगा जिसने भी फ्रैक्शनल लाइक मेथड पढ़ा है, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं। और इसके केस में हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं फाइ आर बाई ए प्लस फाइ एस बाई ए इज इक्वल टू वन। अगर दो प्रोडक्ट आर और एस बन रहे हैं, तीन बन रहे हैं तो उनको सम कर देंगे, चार बन रहे हैं उनका सम कर देंगे, तो इस तरह से इसको हम वन बोलते हैं। और ये हमारा यहां पर ये एक्स ए जो कन्वर्ट हो गया, एफ जो अनकन्वर्टेड पार्ट है उनका सम है, और ये हमारा जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उस प्रोडक्ट में एक दो तीन जितने भी वेरियस स्ट्रीम होंगी, जितने भी वेरियस प्रोडक्ट होंगे उनकी यील्ड का सम होगा वन। ये दोनों चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो एक ये डिफरेंस है, और एक और थोड़ा सा फीलिंग की बात करते हैं, थोड़ा सा एक और गजब फीलिंग की बात करते हैं कन्वर्जन और यील्ड के बीच में। तो सुनना बेटा, अगर मैं बोलूं कि एक रिएक्शन हो रही है, सुनिएगा यहां पर, सुनिएगा बस सुनिएगा, मैंने बोला एक रिएक्शन हो रही है A:R और A:S। इनिशियली Na नॉट हमारा कितना था, Na नॉट हमारा 10 मोल था, सुनना बेटा, Nr नॉट हमारा 0 मोल था और Ns नॉट हमारा 0 मोल था, मतलब हम प्योर फीड की बात कर रहे हैं। सुनेगा, हम प्योर फीड की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कब, जब हमारा इंजेक्शन हो रहा था टाइम टी इक्वल टू 0 पर। अगर मैं थोड़ी देर में बात करूं कि टी इक्वल टू कुछ टाइम टी पर, ठीक है, कुछ किसी टाइम टी पर अगर मैं बात करूं कि यहां पर हमारा एन ए नॉट की वैल्यू 3 मोल है, एन ए नॉट की वैल्यू बेटा 3 मोल ले ली, एन आर नॉट की वैल्यू कुछ हमारा आर का फॉर्मेशन हो गया, हमने मान लिया कि यह हमारी 5 मोल है, और हमने बोला एन एस नॉट इसकी वैल्यू, सॉरी एन आर, ये मैं गलत लिख गया, एन ए एन आर एन एस होंगे, नॉट कहां से होंगे ना, किसी टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एन ए बेटा, ये हो जाएगा एन आर बेटा, और ये हो जाएगा एन एस, ठीक है, ये हम 2 मोल की बात कर रहे हैं। आप समझिएगा यहां से फिल करिएगा। अगर मैं इन डेटा के बेसिस पे बात करूं कन्वर्जन की, तो कन्वर्जन क्या होता है, क्या बेटा, एन ए नॉट माइनस एन ए अपॉन एन ए नॉट, ये होता है। तो एन ए नॉट माइनस एन ए 10 माइनस 3 अपॉन 10, तो 10 माइनस 3 7 बाई 10 0.7, या मैं बोल दूं 70% कन्वर्जन हो गया, जितने भी टाइम टी लगा होगा उसमें 70% कन्वर्जन हो गया। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कन्वर्जन, कितने मोल टोटल वहां पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। कन्वर्जन को इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आर में कन्वर्ट हो गए या एस में कन्वर्ट हो गए, वो कन्वर्ट हो गए, हमारे एक ही मोल हमारी बला टली और यहां से गया, कितना किसमें कन्वर्ट हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता। कन्वर्जन रिएक्टेंट के चेंज ऑफ मोल्स के बेसिस पे डिपेंड होता है। लेकिन यील्ड, अब सुनेगा, अगर मैं यहां से बात करूं यील्ड की, तो यील्ड को अब मैं 2 पार्ट में डिफाइन कर सकता हूं, एक हमारा आर बन रहा है एक एस बन रहा है, तो एक मैंने बोला फाइ आर बाई ए, तो फाइ आर बाई ए मैं क्या बोलूंगा, एन आर माइनस एन आर नॉट अपॉन एन ए नॉट माइनस एन ए। तो यहां से क्या हो गया बेटा, एन आर माइनस एन आर नॉट 5 माइनस 0, तो ये हो गया बेटा 5 अपॉन एन ए नॉट माइनस एन ए, एन ए नॉट कितना था 10 और एन ए अब कितना बचा 3, तो अपॉन 7, 10 माइनस 3 कितना हो गया 7, तो ये कितना आ गया बेटा 5/7। इसी तरह अगर मैं बात करूं फाइ एस बाई ए की, तो ये हमारा क्या बताएगा, अब मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, एन एस माइनस एन एस नॉट, चलो लिख देता हूं बेटा एन एस माइनस एन एस नॉट अपॉन, दिख रहा है ना, चलो अपॉन एन ए नॉट माइनस एन ए, ठीक है। और यहां से अगर मैं सॉल्व करूं एन एस माइनस एन एस नॉट, एन एस 2 एन एस नॉट 0, तो 2 माइनस 0 2/7, यहां से क्या गया 2/7। अच्छा चलो इन दोनों का जरा सम निकालो, समेशन ऑफ 5, तो 5/7 प्लस 2/7 7/7 क्या गया 1, ओके। और यहां से जरा निकालिए कि कितना कन्वर्ट हो गया 70%, कितना रिमेनिंग है अभी 30%, तो इनका सम कितना हो गया एक्स ए प्लस एफ, ये कितना हो गया 1। अब यहां से टोटल फीलिंग आ गई क्या, 70 प्लस जो रिमेनिंग है 30, ये 100 हो गया, तो 1 आ गया, 5/7 प्लस 2/7 तो ये 1 आ गया। यील्ड क्या है, सुनना, यील्ड क्या है,
यील्ड क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हमारा रिएक्टेंट था वो वेरियस स्ट्रीम में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब ये आर और एस दो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, अलग अलग चेंज हो गया ना, तो आर और एस मतलब यील्ड क्या बताता है कि कितने वेरियस स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और ए क्या कन्वर्जन क्या बताता है कि रिएक्टेंट मोल्स का कितना पार्ट वहां पर कंज्यूम हो गया। ये डिफरेंस है हमारा कन्वर्जन और यील्ड में, जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। चलो नोट कर लो बेटा, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए और इसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। आज ओनली 59, मतलब ये टॉपिक पढ़ाने के बाद भी 59, ठीक है, मतलब आप लोगों को नहीं चाहिए भाई सीआरई। चलो कमेंट मैं एक बार देख लेता हूं। सर सुमित सर क्या सरप्राइज देने वाले हैं? यार सरप्राइज है तो वो मुझे क्यों बताएंगे, और मुझे पता भी होगा तो मैं आपको क्यों बताऊंगा। यार हम लोग क्या सरप्राइज देंगे, ऐसा थोड़ी होगा कि चलो आज दावत करते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि आप लोग हमारे सामने तो प्रेजेंट नहीं हो। ऐसा भी नहीं होगा कि चलो आज कुछ ऐसा कुछ होगा, पढ़ाने से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड कुछ ऐसा होगा, ठीक है। सर आई एम फॉलोइंग योर लेक्चर फ्रॉम फर्स्ट क्लास। पहले भी सीआरई थोड़ी आती थी, बट पहले मैं सीआरई से फाइट डिफेंसिव वे में करता था, और अब फाइट अटैकिंग मोड में करता हूँ, ठीक है। डिफरेंस दोबारा रिपीट कर दूं, डिफरेंस नोट डाउन करा देते। नहीं यार नहीं, ठीक है, आप खुद से करने का ट्राई करो, है ना, मैंने पूरा समझा दिया, आप इसी लेक्चर को बैक करना, देखना, और जो आपको समझ में आए लिख लेना, है ना, ट्राई तो करो ना नोट्स बनाने की खुद से, ठीक है। चलो एक मिनट में देता हूं, आप लोग लिखने का ट्राई करो, ठीक है। इतने सारे तो डिफरेंस बता दिए कि ये रिएक्टेंट के लिए, ये प्रोडक्ट के लिए, इसको हम लोग XA plus F equal to 1 बोलते हैं, यहाँ पर sum of the phi equal to 1 बोलते हैं, उसको पूरा example देके मैंने आपको feel करा दिया। लास्ट वाली लाइन मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है, ये आप पूरा नोट कर लो, फिर लास्ट वाली लाइन मैं आपको लिखा देता हूँ। चलो एक मिनट का टाइम है, आप इतना पूरा नोट कर लो, फिर लास्ट वाली लाइन लिखाता हूँ। हो गया बेटा, हो गया, नोट करिए। चलिए लिखिएगा, कन्वर्जन में लिखिएगा, कन्वर्जन इज द फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ कंपोनेंट, कन्वर्जन इज द XA, कन्वर्जन इज द फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ कंपोनेंट दैट कन्वर्टेड ब्रैकेट में लिख दीजिए रिएक्टेड, दैट कन्वर्टेड ब्रैकेट में लिख दीजिए रिएक्टेड इन अ पर्टिकुलर टाइम या इन अ गिवन टाइम, कुछ भी लिख लीजिए, इन अ पर्टिकुलर टाइम या गिवन टाइम। मैं रिपीट कर दूं, कन्वर्जन इज अ फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ कंपोनेंट दैट कन्वर्टेड और रिएक्टेड इन अ गिवन टाइम। चलिए यील्ड के बारे में लिखते हैं। मैंने क्या बोला, वेरियस स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वेरियस स्ट्रीम का मतलब हो गया आर एस, और ऐसा भी हो सकता था
कि A gives to R, A gives to T, A gives to S, A gives to P, बहुत सारे हो, तो various steps, और इस केस में क्या हो जाएगा, phi R by A, plus phi T by A, plus phi S by A, plus phi P by A, और इन सभी का सम क्या हो जाता है, बस सिंपल सी बात है, तो जितने भी various steps होंगी, जितनी भी वहां पर हमारी पैरेलल में प्रोडक्ट बन रहे होंगे उन सभी की यील्ड का सम वो वन के इक्वल होगा। तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाइनरी दो के लिए तीन के लिए, मैं बोल दूंगा वेरियस स्ट्रीम के लिए, ठीक है। तो लिखिएगा बेटा, लिखिएगा आप किसके लिए, अब हम लिखते हैं यील्ड के लिए, तो लिखिएगा यील्ड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यील्ड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हाँ मीत वही लिखा रहा हूं बेटा, वही लिखा रहा हूं, लिखिएगा यील्ड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिएक्टेंट मोल्स इनटू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिएक्टेंट मोल, रिएक्टेंट मोल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किसमें, वेरियस प्रोडक्ट स्ट्रीम में, तो यील्ड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिएक्टेंट मोल्स into various product stream, into various product stream, into various product stream, into various product stream, फिर से रिपीट कर रहा हूं, yield is the distribution of reactant moles, yield is the distribution of reactant moles into various product stream, into various product stream, चलिए हो गया, तो आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं, और समझ में आ गया ना, देखो कन्वर्जन जो कन्वर्ट हुआ उसको बता रहा है, और जो यील्ड है वो आर एस जितने में कन्वर्ट हुआ तो वो हमने उसका पार्ट निकाला वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका जो सम होगा ये वन होता है, और यहां कन्वर्टेड प्लस अनकन्वर्टेड का जो सम होगा ये वन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। एक रिएक्टेंट के लिए क्या कन्वर्जन, और यील्ड प्रोडक्ट के लिए, क्लियर। जितने भी पॉइंट थे, जो मेन मेन पॉइंट थे वो सब मैंने बता दिए, और बस यही फीलिंग इंपॉर्टेंट है, यही फीलिंग इंपॉर्टेंट है, और बेटा बच्चे कम मत हो यार, आप अगर कुछ भी मिस कर रहे हो ना तो आप अपने लाइफ की वो चीजों को मिस कर रहे हो जो आपको कहीं पर पैसा देकर भी नहीं मिलना इस लेवल में, ठीक है। तो प्लीज है ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, आप मुझसे कितने जूनियर हो उसके बाद भी, क्योंकि अभी आप लोगों को ना अभी नहीं समझ में आता, लेकिन एक ना एक दिन आप लोगों को फील आएगा, जिन बच्चों ने मिस किया है उनको भी फील आएगा, और जिन्होंने कॉन्टिन्यूटी मेंटेन किया उनको भी फील आएगा, लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होगा, एक यहां पर रहकर फील करेगा और वो फीलिंग थैंक यू वाली होगी, और एक यहां पर रहकर फील करेगा वो फीलिंग सॉरी वाली होगी। अब आपको डिसाइड करना है आपको कौन से फीलिंग में रहना है, और फीलिंग तो एक मैटर करेगा, लेकिन लेवल का जो डिफरेंस होगा, आपके साथ का बंदा यहां पर होगा और आप यहां पर होगे, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेटर है। कब तक यार मक्कारी, कब तक वही सारी चीजें चलती रहेंगी, कब तक लाइफ में हमेशा ऐसे डिवोटेड रहोगे, कब तक परेशान घूमते रहोगे, कब तक ब्लेम करोगे किसी गवर्नमेंट को, कब तक ब्लेम करोगे अपने कॉलेज वालों को, कब तक ब्लेम करोगे टीचर्स को, कब टाइम आएगा जब अपने आप में सुधार करना चाहोगे। ब्लेम करना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को ब्लेम करने से ना आपका करियर नहीं बन जाता, किसी को भी ब्लेम करने से आपका करियर नहीं बन जाएगा, इसलिए ब्लेम करना छोड़ो, अपनी गलतियों को सुधारो, अपनी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करो, और यहां से जितना भी मिल रहा है उतना गेन करो, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करो और रच दो यार इतिहास, क्योंकि कभी भी ना अगर इतिहास रचना है ना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बैठे बैठे ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जाम देने जा रहे हो नहीं जा रहे हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, अगले दिन न्यूज़पेपर में नाम आ रहा है कि ये इस बच्चे ने गेट में रैंक लाया, इस बच्चे की गेट में पहली रैंक आई, इस बच्चे की गेट में टॉप 10 रैंक आई, ऐसा कभी हो सकता है? जिसकी भी रैंक आती है उससे पूछना क्या बिना पढ़े रैंक आ गई है, क्या बिना स्टडी किए बिना मेहनत किए रैंक आ गई है? कोई भी सक्सेसफुल इंसान से पूछिए क्या उसके पास शक्तिमान या अलादीन का चिराग आया था कि उसने जादू कर दिया, तथास्तु बोला हो और बस वो राजा बन गया हो या वो सक्सेसफुल पर्सन बन गया हो, नहीं ना। तो क्यों सक्सेसफुल लोगों को देख के जलन होती है, उनको आइडियल तो बना लेते हैं लेकिन आइडियल की तरह उनकी तरह वर्क क्यों नहीं करते? तो बेटा थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करिए,
थोड़ा सा बेटर वे में आगे मूव करिए। और ये कोई तरीका नहीं है कि ठीक है आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, ठीक है फिर रोगे बाद में, और बाद में फिर रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, और फिर 5 साल बाद साइलेंट सर की फिर याद आएगी, सर अब बताइए आप कोई ऑप्शन है क्या आपके पास, तो बेटा फिर ऑप्शन मेरे पास भी नहीं होगा, ये याद रखना। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। सुनेगा अब यहां से हम लोग बात करते हैं डिफरेंट रिएक्टर्स के लिए। तो डिफरेंट रिएक्टर्स के लिए हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के यील्ड के लिए। और जब डिफरेंट टाइप्स के यील्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो बेटा जैसे सेलेक्टिविटी के टर्म में हम लोगों ने बात किया था, सेम टू सेम हम लोग यील्ड के टर्म में बात करेंगे। बस दोनों में डिफरेंस इतना था कि सेलेक्टिविटी को हम लोग इंस्टेंटेनियस सेलेक्टिविटी का नाम देते थे और यील्ड को हम लोग फ्रैक्शनल यील्ड का नाम देते हैं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं फ्रैक्शनल यील्ड। जीटीयू में स्टूडेंट फंस गए हैं इंटर्नशिप को लेकर, तो मुझे एक चीज बताओ बेटा, क्या इंटर्नशिप कंपलसरी कर दी गई आप लोगों के यहां? और ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई तोड़ नहीं होता? तोड़ तो हर चीजों का, बस कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है? कोशिश करो, सब कुछ पॉसिबल है। और आपको क्या लगता है, हम लोगों ने अपने टाइम पे गेट की तैयारी नहीं की, और हम लोगों ने गेट की तैयारी के साथ साथ क्या इंटर्नशिप नहीं किया? ठीक है, मेरी तो इंटर्नशिप ही पीएसयू से है, मेरी इंटर्नशिप पीएसयू से हुई थी। और वहां पर बेटा पर डे जाना पड़ता था, सुबह 8 बजे हम लोग निकल जाते थे और शाम को 6 बजे वापस आते थे, ठीक है? एनी हाउ वहां पर 9 बजे रिपोर्ट करना होता था, 5 बजे वहां पर साइन करके वापस निकलते थे। तो पूरे दिन तो हम लोग भी इंटर्नशिप करते थे, लेकिन हाथ में हमारे पास एक बुक या एक कॉपी एक किताब कुछ होती थी कि जहां जब टाइम मिलेगा उस टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, उस टाइम पे थोड़ा एक दो टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है? तो अगर पॉसिबल है मोबाइल ले जाना, पॉसिबल है तो मोबाइल साथ रखो, नहीं पॉसिबल है तो बाकी चीजें साथ रखो, लेकिन जितना पॉसिबल हो पाए उतना अपने पॉसिबल वे से वर्क करो यार। हर चीज का तोड़ पॉसिबल है, बस आपके अंदर चाहत होनी चाहिए ना। चलो कंपलसरी है, हाँ सर सिलेबस में ऐड कर दी, बेटा सिलेबस में तो सब क्यों होता है। चलो इसके बारे में फिर किसी दिन बात करता हूं मैं। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग बात कर रहे थे फ्रैक्शनल यील्ड की, ठीक है? अब ये फ्रैक्शनल यील्ड क्या होती है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों ने बेटा एक चीज पढ़ी थी क्या, सुनना, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी क्या, क्या सेलेक्टिविटी में एक इंस्टेंटेनियस सेलेक्टिविटी एक ओवरऑल सेलेक्टिविटी, इंस्टेंटेनियस सेलेक्टिविटी को हम लोग रेट के टर्म में डिफाइन करते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे रिएक्शन चल रही होती है उस टाइम पे उसके नंबर ऑफ मोल्स आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूसली नंबर ऑफ मोल्स का चेंज हो रहा होता है। और अगर आप फेवरेबल कंडीशन या कंडीशंस को चेंज करेंगे तो उनका जो रेशियो है चेंज होने का वो चेंज होता रहता है, इसलिए उसके मोल्स के टर्म में उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग उसके रेट के टर्म में डिफाइन करते हैं। और रेट एक ऐसा ही टर्म है जो कॉन्टिन्यूसली रिएक्शन में चेंज होता है, इसलिए हम लोग रेट के टर्म में बात करते हैं ना कि मोल्स के टर्म में बात करते हैं, समझ गए? तो जैसे आप लोग इंस्टेंटेनियस यील्ड की इंस्टेंटेनियस सेलेक्टिविटी की बात कर रहे थे, इसी तरह बेटा फ्रैक्शनल यील्ड की बात करेंगे। फ्रैक्शनल यील्ड भी इसीलिए डिफाइन की जाती है ताकि ओवरऑल यील्ड मैक्सिमम हो सके, जो सेलेक्टिविटी में हम लोग बात कर रहे थे। फ्रैक्शनल यील्ड इसलिए डिफाइन की जाती है क्योंकि उस टाइम पे रिएक्शन चल रही होती है, और उस टाइम पे अगर मैं फ्रैक्शनल यील्ड को मैक्सिमाइज कर दूं तो ओवरऑल यील्ड अपने आप मैक्सिमम हो जाती है, इसलिए हम लोग फ्रैक्शनल यील्ड के टर्म में बात करते हैं। तो फ्रैक्शनल यील्ड को चलो मैक्सिमम करते हैं, और वहां से उसको मैक्सिमम करके हम लोग ओवरऑल यील्ड को मैक्सिमम करते हैं। तो हम लोगों ने हेडिंग डाली थी फ्रैक्शनल यील्ड, चलिए इसका फार्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए सुनिएगा, कोई बात नहीं बेटा, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बट अभी सर कोविड की वजह से कौन अलाउ नहीं कर रहा। बेटा कोविड जो है, ठीक है, ये पैंडेमिक इफेक्ट में कहीं पर भी ऑफलाइन में आपको ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना, कोई भी समर वैकेशन ऑफलाइन नहीं करना, खुद प्रेजेंट होके नहीं करना, जो भी करना होगा वो ऑनलाइन होगा। और अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर कॉलेज हर बच्चे की इंटर्नशिप कराना, ये पर्सनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। कॉलेज अपने आप अपना पल्ला झाड़ना चाहता है, आप लड़ जाइए, आप बोल दीजिए सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्या किसी कंपनी वाले को जानता हूं कि मैं जाके अपना ट्रेनिंग करूंगा। आप बोलिए, आप करवा दीजिए, जहां भी आप करवाएंगे मैं जाने को रेडी हूं। आप उनको बोलिए, आप अपने ऊपर क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। आप बोलिए सर कहां पर करवाना है, आप बताइए। ये इंटर्नशिप कराना कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है,
ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो जाके करे। आप कितने कंपनी वालों को जानते होंगे और कौन सा कंपनी वाला आपको अंदर आने देगा, अरे आइए सर आइए हम आपकी इंटर्नशिप कराएंगे, क्यों कराएंगे वो, ठीक है ना। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने एचओडी को बोलिए, आप अपने डायरेक्टर को बोलिए, ठीक है, मत परेशान हो यार, उनको बोलो आप, वो कराएंगे आपकी। आपका अपना सोर्स है, अपना लेवल है, कहीं से कर सकते हो दैट्स बेटर, नहीं कर सकते आप उनको बोलिए, वो कराएंगे आपको। नहीं, सीधी सी बात है यार, बच्चों को क्यों परेशान करते हैं, बच्चे कहां से जानते होंगे। अरे आपके कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होता है, आपको पता है ना, एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होगा आपके कॉलेज में, उनको जाके बोलिए आप कि सर आप अरेंज करिए ट्रेनिंग के लिए। और ये रियलिटी यही है कि ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों की नहीं, ठीक है। तो आप लोग उनसे बोलिए भाई, चलो ठीक है। अब ये आप लोग देख लेना, अकेले ना कोई भेड़ जाना, बेचारा अकेले ही परेशान हो जाएगा। वो बोलना है तो पूरा कॉलेज पूरा क्लास एक साथ होके बोलिए, अकेले मत भेड़ना कोई भी, है ना, है ना। और मेरा नाम मत ले देना कि शैलेंद्र सर ने बोला था, ठीक है। सुनो चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा फ्रैक्शनल यील्ड की, सुनिएगा। अरे यार यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फ्रैक्शनल यील्ड की, तो सुनिएगा। फ्रैक्शनल यील्ड, चलिए सुनिएगा क्या होता है ये फ्रैक्शनल यील्ड। बस वैसे ही रेट के टर्म में जैसे सिलेक्टिविटी की बात की थी, अब वहां पर हम अभी फाई बात कर रहे थे, यहां पर हम बेटा लिखते हैं साई आर बाई ए, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल यील्ड। और ये होता है बेटा रेट आर का तो प्लस आर ए, और अपॉन रेट ए का तो सॉरी प्लस आर आर अपॉन माइनस आर ए, नोट करिएगा ये होता है। अब मैं किसी रिएक्शन की बात करूं, ए गिव्स टू आर, ए गिव्स टू एस, ये बेटा है के वन, ये बेटा है के टू, ठीक है। और यदि मैं इसके टर्म में बात करूं, इसका ऑर्डर मान लो एन वन, इसका ऑर्डर मान लो एन टू, तो प्लस आर आर क्या हो जाएगा के वन सी ए टू द पावर एन वन, प्लस आर एस क्या हो जाएगा के टू सी ए टू द पावर एन टू। और जब हम लोग यहां पर फाई सॉरी साई की बात करेंगे, साई आर बाई ए की, तो ये हमारा आर मतलब के वन सी ए टू द पावर एन वन अपॉन टोटल, तो ए टू आर ए टू एस, तो हमारा क्या हो जाएगा K1 Ca to the power N1 plus K2 Ca to the power N2, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं बात करूं बेटा phi S by A की, तो S by A को भी ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन तब हमारा प्लस RS हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा K2 Ca to the power N2 upon K1 Ca to the power N1 plus K2 Ca to the power N2। चलो इसको नोट कर लो, नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए बेटा, फास्ट करिए, जल्दी जल्दी करिए। तभी भी कहीं भी लड़ाई करनी है ना कॉलेज वॉलेज में, तो हमेशा ग्रुप के साथ जाइए, कोई भी एप्लीकेशन देनी है खुद हीरो मत बनने का ट्राई करना, क्योंकि मैंने बहुत फेस किया है ये सारी चीजें, है ना, खुद हीरो बनने का ट्राई किया है, बाद में पछताए हैं, तो ये मत करना। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, चलो यहां पर स्टार बना के एक पॉइंट लिख लेंगे, स्टार बना के एक पॉइंट लिख लेंगे। फ्रैक्शनल यील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्टर, फ्रैक्शनल यील्ड इज, स्टार बना के एक पॉइंट लिख लेंगे, स्टार बना के एक पॉइंट लिख लेंगे, फ्रैक्शनल यील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसके, टाइप्स ऑफ रिएक्टर। ठीक है, कोई रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की है तो बेटा चाहे आप एमएफआर में कराओ चाहे पीएफआर में कराओ,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेकंड ऑर्डर की ही रिएक्शन रहेगी, है ना। तो काइनेटिक्स चेंज नहीं होती, और जो फ्रैक्शनल यील्ड है वो काइनेटिक्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। जो हमारी ओवरऑल यील्ड है वो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स वहां मिक्सिंग होगी नहीं होगी वो तो चेंज होंगे, लेकिन काइनेटिक्स चेंज नहीं होती। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो फ्रैक्शनल यील्ड होगा वो काइनेटिक्स पर डिपेंड करती है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट होती है टाइप्स ऑफ रिएक्टर पे, जबकि ओवरऑल यील्ड डिपेंडेंट होती है टाइप्स ऑफ रिएक्टर पे, ठीक है। यहां पर लिख लेंगे बिकॉज फ्रैक्शनल यील्ड साई इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। और जो काइनेटिक्स होती है वो इंडिपेंडेंट होती है रिएक्टर टाइप्स में। नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। और इसी का उल्टा अगर हम लिख देंगे तो वो ओवरऑल यील्ड के लिए हो जाएगा। तो चलो मैं लिखा देता हूं जल्दी से, पहले ये लिख लो जो लिखा है बोर्ड पे, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को लिखा देता हूं ओवरऑल यील्ड के लिए। हो गया ना भीम यादव, बड़े दिन बाद आए हो यार। कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करो बेटा। डन, ओके, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सबको इन्फॉर्म कर देना वेडनेसडे से, जो कमिंग वेडनेसडे है वहां से बेटा नॉन आइडियल रिएक्टर स्टार्ट करूंगा। वहां पर कोई भी एक भी स्टूडेंट गायब नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी गायब हुआ तो मान लो कि वो नॉन आइडियल रिएक्टर ना मिस कर दे रहा है, और फिर उसको समझ में नहीं आएगा ना, तो फिर वो वही जाने। और अगर स्ट्रेंथ कम हुई ना तो फिर मैं उड़ा दूंगा, मैं डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, फिर मैं उड़ा दूंगा और आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन आपको नहीं पता चलेगा, है ना, ये मुझे पता चलेगा सर। चलिए हेडिंग डालिएगा चलिए, ठीक है, डन। चलिए आगे बात करें। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए सुनेगा, अब हम लोग यहां पर डिफरेंट रिएक्टर के लिए ना ओवरऑल यील्ड की बात करते हैं। अगर एमएफआर होगा तो ओवरऑल यील्ड कितनी होगी, पीएफआर होगा तो ओवरऑल यील्ड कितनी होगी। अभी पता चला सर लेक्चर के बारे में, सो पिछले लेक्चर कवर कर रहा हूं, ठीक है। सोमदेव नहीं, क्या है, समडे आई विल बी अ पॉलीमैथ, ठीक है, जो भी है। तो आप थोड़ा सा ट्राई करिए, जल्दी से लेक्चर कवर करिए, वेडनेसडे से लाइव ज्वाइन करिए नॉन आइडियल रिएक्टर के साथ। चलो आगे बात करते हैं हम लोग, तो एमएफआर और पीएफआर दोनों की बात करते हैं। चलो सुनेगा, हेडिंग डालिएगा फॉर एमएफआर। अब सुनिएगा, चलो एक एमएफआर बना लेते हैं। एमएफआर है तो उसमें आइडियल मिक्सिंग करा देते हैं। एमएफआर है तो वहां पर मिक्सिंग की वजह से कंसंट्रेशन ड्रॉप होगा, यहां से सीए नॉट इंटर कर रहा होगा लेकिन यहां का कंसंट्रेशन सीए होगा। ये जब एग्जिट होगा तो एग्जिट का भी कंसंट्रेशन सीए होगा, ठीक है। और जब बेटा कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा इस पूरे रिएक्टर पे, मैं चाहे यहां से कंसंट्रेशन लूं, 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 हर पॉइंट का कंसंट्रेशन सेम होगा। और हर पॉइंट का कंसंट्रेशन सेम होगा तो बेटा मैं किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टाइम पे अगर मैं उसका यील्ड की बात करूंगा, फ्रैक्शनल यील्ड की, तो वो हमारा सेम आएगा। तो जो हमारा फाई होता है बेटा, जो हमारा फाई होता है, ठीक है, ये फाई क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को अलग से एक्सप्लेन कर दूं कि जब भी बेटा हम लोग ओवरऑल यील्ड की बात करते हैं, सुनिएगा, जब भी बेटा हम लोग ओवरऑल यील्ड की बात करते हैं तो ओवरऑल यील्ड होता है क्या, एवरेज ऑफ दी फ्रैक्शनल यील्ड
यील्ड। और जब आप ओवरऑल यील्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया फाई आर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो आर बाई ए, एस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एस बाई ए, पी के रिस्पेक्ट में करेंगे पी बाई ए, जितने भी वेरियस स्ट्रीम होंगी तो फाई आर बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, साई बार आर बाई ए, साई बार आर बाई ए। ठीक है, मान लेते हैं बेटा कि इसमें कोई रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन है ए गिव्स टू आर, दूसरी रिएक्शन है आपकी ए गिव्स टू एस, ये दो रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं इसके बेसिस पे अगर यहां से साई ये साई की बात करूं तो साई क्या हो जाएगा, प्लस आर आर अपॉन माइनस आर ए। ठीक है, आप क्या बोलते हैं ये सर, थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग फ्रैक्शनल यील्ड की बात करते हैं और फ्रैक्शनल यील्ड हम लोग कैलकुलेट करते रहेंगे, सिर्फ सुनते जाओ, फ्रैक्शनल यील्ड सर हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है बेटा, फ्रैक्शनल यील्ड आपने अभी लिया, थोड़ी देर बाद फिर लिया, थोड़ी देर बाद फिर लिया, थोड़ी देर बाद एक और सैंपल लिया, थोड़ी देर बाद एक और सैंपल लिया, मैं कह रहा हूं कितने भी सैंपल ले लो, एमएफआर है ना, यहां पर कॉन्टिन्यूसली सीए नॉट आता रहेगा, यहां पर कॉन्टिन्यूसली मिक्सिंग होती रहेगी, कॉन्टिन्यूसली रिएक्शन होती रहेगी, सुनते जाना, और रिएक्शन के बाद कॉन्टिन्यूसली एग्जिट आता रहेगा, जो भी एग्जिट में कन्वर्जन होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा, जो रिएक्शन होगी वो कॉन्टिन्यूस होगी, कॉन्टिन्यूस रिएक्शन की वजह से उस रिएक्शन मिक्सचर का कंसंट्रेशन कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होगा, वहां मिक्सिंग हो रही है और जो इनिशियल फीड आ रहा है वो आके यहां पर मिक्सअप हो रहा है, तो ये सी ए नॉट यहां के कंसंट्रेशन को मैनेज कर रहा होगा, ये अपना कंसंट्रेशन यहां पर आते ही ड्रॉप कर रहा होगा, और यहां पर रिएक्शन की वजह से जितना कंसंट्रेशन ड्रॉप हो रहा होगा उतना ये यहां पर आके मिक्सअप होके इसको मेंटेन कर रहा होगा, और इस रिएक्टर का टाइम के साथ साथ हर पॉइंट पे मिक्सिंग की वजह से और सीए नॉट मिक्सिंग की वजह से यहां पर पूरा क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है और उसके कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है, इस वजह से जितनी रिएक्शन होगी उतने रिएक्शन के कंसंट्रेशन को ये सीए नॉट मेंटेन करेगा, और मिक्सिंग की वजह से हर पॉइंट का टाइम की वजह से यहां सीए नॉट के आने की वजह से टाइम के साथ हर पॉइंट पे सीए क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो एक स्टार बना के हम लोग लिखते हैं बेटा, आपको अभी यहां पर एक्सप्लेन कर दिया, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं और ये पॉइंट आपको याद होगा, एक्सप्लेनेशन याद हो ना याद हो बट ये पॉइंट आपको याद होगा, और पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट ये है कि कंसंट्रेशन विल बी यूनिफॉर्म इन एमएफआर, विल बी यूनिफॉर्म इन एमएफआर, याद है क्या ये वाला पॉइंट याद होगा, मैं ये पॉइंट बहुत बार यूज किया हूं और एक्सप्लेनेशन भी मुझे लग रहा है आज दूसरी या तीसरी बार बता रहा हूं, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन याद नहीं है, पॉइंट याद है ना, तो उसका रीजन मैंने बता दिया, एक्सप्लेनेशन मैंने अभी बता दिया, तो ये पता चल गया कि ये सीए यहां पर यूनिफॉर्म होगा, और बेटा अगर सीए यूनिफॉर्म होगा तो आर आर कुछ भी हो वहां पर सीए फिक्स है, माइनस आर ए कुछ भी हो वहां पर सीए फिक्स है, और जब एक इसकी वैल्यू ऑल टाइम पे क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, और मुझे बताइए अगर मैं यहां पर बात करूं फॉर एमएफआर साई आर बाई ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू का जब एवरेज लेते हैं, किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू का जब आप एवरेज लेते हैं तो वो क्या होता है, वो भी कॉन्स्टेंट होता है और वो इक्वल टू उसी वैल्यू के बराबर हो जाता है, यस आर नो, और अगर उसी वैल्यू के बराबर हो जाएगा तो चलो अब फार्मूला याद कर लीजिए सी आर इक्वल टू क्या आया था, सी आर नॉट प्लस सुनना फाई आर बाई ए, और फाई आर बाई ए ये साई बार क्या है, फाई बार क्या है बेटा, फाई आर बाई ए, तो ये फाई आर बाई ए इसके एवरेज के इक्वल है और इसका एवरेज उसी वैल्यू के इक्वल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी आर इक्वल टू सी आर नॉट प्लस साई आर बाई ए सी ए नॉट माइनस सी ए या सी ए नॉट इंटू एक्स ए। इसी तरह हमारा सी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एस नॉट प्लस साई एस बाई ए सी ए नॉट माइनस सी ए, हो गया हमारा, दोनों फॉर्मूले आ गए हमारे, और ये किसके लिए बेटा, ये हमारा एमएफआर के लिए, नोट कर लीजिए ये। हाँ बेटा, अरे मालवीय ये बताओ आप प्लस वाले से क्यों नहीं कर रहे हो सीआरई,
आप YouTube वालों से वाले से क्यों कर रहे हो? आप प्लस के स्टूडेंट हो, आप जाओ आराम से प्लस में करो, पूरे लेक्चर वहां कंप्लीट हो चुके हैं, है ना, वहां से मस्त पूरा कंप्लीट कर लो। चलो हो गया, जो बोल रहे हो आप सही बोल रहे हो, डन 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 डन, ओके ठीक है। सर एस सर एट रिएक्टर एंड आउटलेट पाइप, मैं समझा नहीं विवेक क्या पूछ रहे हो आप, मैं समझा नहीं आप पूछ क्या रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं भाई। तो सिलेक्टिविटी होती है ना सर? अच्छा भाई सिलेक्टिविटी होती है, आपकी जो मर्जी बेटा वो लिख लो, सिलेक्टिविटी को आप एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, बस आपका ये डिफाइन करता है उसके सफिक्स में क्या लिखा है। यहां पर जैसे मैंने लिखा ना आर बाई ए, तो आर बाई ए तो ये हमारा यील्ड हो गया, अगर मैं लिखता आर बाई एस तो फिर ये हमारा सिलेक्टिविटी हो जाता, बस इतना याद रखें, ठीक है? ठीक है चलेगा बेटा, आगे बात करें, एमएफआर का हो गया, चलो पीएफआर की बात करते हैं। सर इसको लाइव में मजा आता है इसलिए इधर अटेंड करती, अच्छा चलो ठीक है, तो चलो फिर पीएफआर की बात करते हैं, पीएफआर की बात करते हैं यहां से, तो इसे मैं रफ कर रहा हूं, है ना, अगर आपने अभी नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, अदरवाइज मैं फिर इसको रफ करूंगा। गुड, यह साइड में एक डॉट आ रहा है, रुको मैं हटा दूं। चलो हो गया, चलो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, पीएफआर की बात करते हैं, सुनेगा पीएफआर की बात करते हैं, हेडिंग डालेगा फॉर पीएफआर, हेडिंग डालेगा फॉर पीएफआर, चलो पीएफआर बना लो, पीएफआर बना लो, और यहां से हमारा सीए नॉट, यहां पर हमारा सीए, और यहां मेंशन कर दीजिएगा, यहां सीए नॉट, यहां सीए वन होगा, यहां सीए टू होगा, यहां सीए थ्री होगा, एंड सो ऑन, हर पॉइंट पे कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होगा। एक लाइन लिखाऊंगा, पहले इतना बना लीजिए, फिर यहां पर एक लाइन लिखाएंगे, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे, बना लीजिए बेटा, फॉर पीएफआर, फॉर पीएफआर, चलो इतना बना लो, फिर यहां पर थोड़ा सा एक लाइन लिख लेंगे, स्टार बना के लिखेगा, कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म इन पीएफआर, कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है ना कि सीए वन फिर सीए टू सीए थ्री सीए फोर, इस तरह से हर पॉइंट पे कंसंट्रेशन चेंज होगा, तो यूनिफॉर्म कहां हुआ, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, मतलब कंसंट्रेशन चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ द रिएक्टर, तो बस उसी को मैं लिखा रहा हूं, लिखेगा देखिएगा, हाँ कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म इन पीएफआर, कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म, इज नॉन यूनिफॉर्म इन पीएफआर, इन पीएफआर बिकॉज 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 कंसंट्रेशन डिक्रीजेज विद लेंथ डाउन द रिएक्टर, बिकॉज कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, बिकॉज कंसंट्रेशन डिक्रीजेज विद लेंथ डाउन द रिएक्टर, विद लेंथ डाउन द रिएक्टर, सो फ्रैक्शनल यील्ड, सो फ्रैक्शनल यील्ड विल बी, फ्रैक्शनल यील्ड विल बी ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म, हाँ सही कह रहे हैं बेटा पॉलीमैथ, सही कह रहे हैं आप, इंटीग्रेशन कर लेंगे, सो फ्रैक्शनल यील्ड विल ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म, और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फिर हम क्या करें, अब हम लोग एक फिक्स वैल्यू नहीं यूज कर सकते, तो यहां से अगर मैं बात करूं
यहां से मैं बात करूं कि साई आर बाई ए क्या होगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो सर ऐसा करें, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो मैं इस इनिशियल पॉइंट से लेके सर फाइनल पॉइंट तक हर प्लग में, अब ये प्लग फ्लो रिएक्टर है तो यहां पर नंबर ऑफ प्लग बनेंगे सर, हर प्लग का मैं सर फ्रैक्शनली निकाल लूं, मैंने बोला निकाल लो। फिर क्या करोगे सर, जैसे एवरेज निकालते हैं कि सभी का निकाल के उनका सम करके डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो बेटा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो अखबार में बता चुका हूं आपको, माइनस आर ए जो बनता है, वन बाई माइनस आर ए, वो एक फंक्शन होता है। और जब दो पी अखबार सीरीज में लगाया था तब मैंने बताया था आपको। तो ये सर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो बेटा कॉन्टिन्यूस एवरेज निकाल देंगे। सर ये कॉन्टिन्यूस एवरेज क्या होता है, याद करिए जब हम लोग कॉन्टिन्यूस एवरेज की बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग वाई बार निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डी एक्स, और लिमिट लगा देते हैं ये एक्स वन टू एक्स टू। ऐसे करते हैं क्या? तो चलो कर लेते हैं इसे। तो सर कैसे निकाले, तो हम निकालेंगे बेटा साई आर बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज निकालना है तो बार लगा दिया, बार लगाए तो जो भी फंक्शन बनेगा, फंक्शन क्या बनेगा ये, और ये फंक्शन नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन होगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वैल्यू होगी, और जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। और अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो हमारा क्या हो गया, ये वाई डी एक्स, और डी एक्स ये किसका फंक्शन होगा, सी ए का, क्योंकि सी ए हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा, तो साई डी सी ए, और इंटीग्रेशन कर दीजिए कहां से, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट पे सी ए कितना था, सी ए नॉट, और इस पॉइंट पे क्या होगा, सी ए फाइनल जो भी होगा, तो सी ए नॉट टू सी ए अपॉन इंटीग्रेशन सी ए नॉट टू सी ए डी सी ए। सर ये फार्मूला कहां से आपने यूज किया, इसके लिए बेटा स्टैटिस्टिक्स पढ़ो, या फिर जब मैं पढ़ाऊंगा मैथ्स तब आपको बताऊंगा यहां पर, ठीक है। तो चलो नोट कर लो बेटा, यहां पर नोट कर लो ये फार्मूले से, सी ए नॉट टू सी ए साई डी सी ए अपॉन सी ए नॉट टू सी ए डी सी ए, और बेटा आप आर बाई ए की बात कर रहे हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर बाई ए। आप अगर एस बाई ए की बात करते तो ये क्या हो जाता, एस बाई ए। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया इंटीग्रेशन सी ए नॉट टू सी ए साई आर बाई ए डी सी ए अपॉन सुनेगा हाँ, तो फिर यहां से क्या करें, अपॉन। अच्छा ये जब तक हमें फंक्शन पता ना चल जाए कि k1 c a to the power n1 upon k1 plus k1 c a to the power n1 plus k2 c a to the power n2, यही होता है ना साई आर बाई ए। तो जब तक हमें ये पता ना चल जाए तब तक मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता, लेकिन dca dx का इंटीग्रेशन x और उसके लिमिट पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ca minus ca not। चलो इतना हो गया, तो चलो अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा दें। फार्मूला क्या लगा दें सुनेगा cr equal to cr not plus फाई आर बाई ए, और फाई क्या हो जाएगा, साई बार आर बाई ए, साई बार कितना है इतना, तो चलो साई बार, ये इंटीग्रेशन सी ए नॉट टू सी ए साई आर बाई ए डी सी ए अपॉन सी ए माइनस सी ए नॉट, और इनटू एक क्या होता है यहां पर सी ए नॉट माइनस सी ए, ओहो ये तो हमारी कुछ एक जैसी वैल्यू है, माइनस कॉमन ले लो तो कैंसिल हो जाएगा, तो चलो हम इसको कैंसिल कर देंगे और माइनस एक हमारा एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो माइनस क्या हो जाएगा, सी आर इक्वल टू सी आर नॉट। सर ये माइनस है, इसको प्लस कर दे तो लिमिट चेंज कर दे, तो ठीक है लिमिट चेंज कर देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन सी ए टू सी ए नॉट साई आर बाई ए डी सी ए, नोट कर लीजिए बेटा।
बेटा इंटर्नशिप के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो सुमित सर से एक बार बात कर लो, सुमित सर को बोल दो सर इंटर्नशिप में एक सेशन ले लीजिए, है ना, उनको बहुत नॉलेज है इन सब चीजों का, वो ऑलरेडी किसी कॉलेज में लेक्चरार है, है ना, उनको नॉलेज है इन सारी चीजों का। इंटर्नशिप वगैरह का वाइबा भी लेते हैं, इंटर्नशिप कराने का अरेंज भी करते हैं, सब कुछ उनके पास बहुत नॉलेज है, है ना, तो वो ऑलरेडी आप एक बार सुमित सर से बात करिए, इंटर्नशिप के लिए बोल दीजिए कि सर बताइए क्या करना चाहिए, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। डन, ओके, क्लियर हो गया बेटा। इसी तरह अगर मैं एस बाई ए के टर्म में बात करूं तो लिख सकते हैं क्या, तो इतना आपके ऊपर छोड़ दूं, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। सी आर जैसे निकाला ऐसे सी एस निकालेंगे, सी एस निकालेंगे तो यहां से पूरा सी एस के लिए सॉल्व करेंगे, इसी तरह सी एस निकाल के रखिए, चाहे आप डायरेक्ट रख दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है क्या होगा, और नहीं समझ में आ रहा तो आप पूरा सॉल्व करके सी एस निकाल के रखिए, और इस तरह से आपको सी एस निकालना है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो चलो ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा, अब यहां पर बचे क्या हमारे न्यूमेरिकल्स, तो कुछ न्यूमेरिकल्स बचे, तो ये न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट मैं आपको कल कराऊंगा, सुनिएगा, न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट मैं आपको कल कराऊंगा, जो कि हमारा ऐप में होगा, और ऐप में यही टाइमिंग रहेगा 4 बजे से, लिंक आपको ऊपर दिख रही होगी, crequizselectivityandyield@4pm, आप इस पर क्लिक करिए, देखो आप इस पर क्लिक करिए, कुछ ओपन हो जा रहा है, और उसके नीचे कुछ लिंक दिख रही होगी, उस लिंक में आप क्लिक करेंगे और अपने आप को इनरोल कर दीजिए, कल आपको अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कल आप वहां नोटिफिकेशन में क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो इनरोल कर दीजिए, किसी को प्रॉब्लम होती है सर लिंक नहीं मिलती या कुछ भी, और इनरोल करके ना मेरा पूरा पेज ओपन हो जाएगा, तो मेरे पेज में जहां भी शैलेन कुमार लिखा हो उसमें क्लिक कर देना, मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और वहां पर जाके मुझे फॉलो कर लेना, तो मेरे जितने भी लेक्चर होंगे वो सारे लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो कल के दिन बेटा पहले 30 मिनट का क्विज होगा, और उसके बाद उसी क्विज का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, पूरा मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेटर लेकर बैठिएगा, रफ कॉपी लेकर बैठिएगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कंपटीशन की बात करेंगे, और बेटा सारे लोग YouTube के जितने भी अभी 65 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, सारे लोग आप लोग प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रेजेंट रहेंगे, और बाकी मिठाई बट रही है, जिसको लेना है आ जाना, जिसको नहीं लेना तो बाद में फिर पछताना, अब आपकी मर्जी है बेटा। चलो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, और इसके साथ ही ठीक है, और आगे का मैं यहाँ पे पार्ट कंटिन्यू करता हूँ, आपको बता देता हूँ कल की क्लासेस का, आज की क्लासेस का, तो आज की क्लास बेटा अभी 6 बजे से मनीष सर की होगी या नहीं होगी ये एक बार आप कंफर्म कर लेंगे 6 बजे सेशन में जाके, ठीक है, और मैं मनीष सर को बोल दूंगा, अगर नहीं होगा तो अभी वो मेंशन कर देंगे वहीं पर कमेंट बॉक्स में, वहीं पर आप चैट में देख लीजिएगा, मेंशन कर देंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा इशू होगा तो आप जाके वहां पर चेक कर लीजिएगा और वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे वहां पर, ठीक है। मैं अभी जस्ट क्लास एंड होते ही बोल दूंगा, अगर क्लास होगी तो 6 बजे से कंटिन्यू होगी, और नहीं होगी तो वहां पर वो आपको अभी मैसेज कर देंगे, ठीक है। तो आप चुपचाप बैठ के अपना रिविजन करिएगा। 7:30 बजे से आज क्लास नहीं होगी हीट ट्रांसफर की, उसकी जगह बेटा आप लोगों का आज 7:30 बजे से 8 बजे से मास्टर ब्लास्टर सीरीज रहेगा त्यागी सर का, तो आप वो ज्वाइन करिए, ठीक है, वहां से आप आगे कंटिन्यू करिए, और कल के दिन फिर वो त्यागी सर वही बता देंगे कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्या शेड्यूल होने वाला है, ठीक है, ये एक सुपर फीलिंग। और उसके बाद फिर 9 बजे से सुमित सर का जो सेशन है रियाज, ठीक है, अगर तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और जो भी प्रॉब्लम थी हमारी यूट्यूब वाली कानपुर सेंटर पे वो सही हो गई तो वहां से हमारा कंटिन्यू रहेगा, वहां से कंटिन्यू होगा और सुमित सर कंटिन्यू करेंगे, और अगर मनीष सर की क्लास हुई तो सुमित सर तो फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं एक बार उनको बोल देता हूँ, बात करके वो आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। कल के दिन जो मेरी क्लास होगी और जो क्लास है, एक मनीष सर की क्लास है कल के दिन ये 10 बजे से, जिसमें गेट प्रिपरेशन के लिए कैसे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें ये क्लास रहेगी। फिर इसके बाद मेरी शाम को यही क्लास रहेगी रिएक्टर अरेंजमेंट की, बाकी जो क्लासेज है आपको शेड्यूल मिलता रहता है आप वहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों के कमेंट जो भी आ रहे हैं बेटा बाद में पढ़ के आंसर करता हूं, ठीक है। और अगर प्लस और आइकॉनिक की बात करें तो बेटा लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली डे, डाउट सॉल्विंग सेशन, इंग्लिश हिंदी दोनों में, और रैंक इंप्रूवमेंट बैच, और यहां से जस्ट आप लोगों को
यहां से जस्ट आप लोगों को, ठीक है सुनिएगा, बस एक कोड याद रखना है, वो कोड क्या है, SKS50। ये कोड याद रखिए, इस कोड के साथ आप इनरोल करिए, यहां इस रेफरल कोड को आप यूज करिए, क्योंकि फैकल्टी कोड यूज करने से आपको गाइडेंस, आपको बाकी सारी चीजें फैकल्टी से मिलेंगी, तो फैकल्टी कोड आप यूज करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। और इसके बाद फिर आप पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बूस्टअप के लिए सेशन, एनालिसिस और फुल स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। और इसके साथ मैं बात करूं आपसे 12-18-24 मंथ का, तो बेटा 12-18-24 मंथ में आपको ये 12 मंथ का 27,225 और ये आपका एक इकोनॉमिक कॉस्ट है, ठीक है, आप बाकी जैसा डिसाइड करें वो बेटर है। और 1 or 2 ईयर के लिए आइकोनिक का ये कॉस्ट है, कोड याद रखेगा SKS50। और ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप जहां पर आप लोगों को आगे कंटिन्यू करना है, यहां से आप लोगों को फ्री और स्पेशल क्लासेस सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, और जितनी भी पेड क्लासेज है वो यहीं पर हम लोग कराते हैं। जो अभी मेरी 6 बजे से प्रोसेस कैलकुलेशन की क्लास होने वाली है, और आज डिस्लेशन, कल पूरा डिस्लेशन की फीलिंग की बात की थी, आज डिस्लेशन के न्यूमेरिकल की बात करूंगा, उसके बाद कुछ हम लोग एब्जॉर्प्शन, मिक्सिंग और क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल है, मुझे फॉलो करने के लिए @shailendra_sir इससे मुझे फॉलो कर लीजिए। और बेटा ये हमारे YouTube चैनल्स हैं जहां पर अनअकैडमी, गेट CECH, प्लैनेट गेट, ये बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है, जहां पर आप लोगों को सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आप इसको फॉलो करिए। और ये एक जंग है, और ये एक जंग को हमें लड़ना है, इस जंग में हमें जीत हासिल करनी है, एक दूसरों की केयर करनी है, खुद की केयर करनी है, एक दूसरों की हेल्प करनी है, कुछ भी हो जाए ना, इंसानियत नहीं खोना है, बस इतना एक अपील है आप लोगों से। और यही अपील है कि बाकी लोगों से भी आप ये अपील करिए और बोलिए उन्हें कि ऐसे टाइम पे ना अपना फायदा नहीं, ठीक है, अपना फायदा नहीं, इंसानियत देखिए, है ना, ये मत करिए आप मतलब गलत इंजेक्शन बेच रहे हैं, आप कालाबाजारी कर रहे हैं, है ना, तो ये सारी चीजें यार पैसा लेके क्या ही कर लेंगे अगर जिंदगी ही नहीं बची, है ना, तो इसलिए इस टाइम एक दूसरे को इंसानियत शो करिए, एक दूसरे की हेल्प करिए, एक दूसरे की केयर करिए, हैवान नहीं बनिए, ये मेरी सबसे अपील है, और यही अपील आप सबको बाकी लोगों से करनी चाहिए। चलिए तो आज का सेशन फिर मैं एंड करूंगा, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और एक बार आप लोगों के कमेंट देख लेता हूं, अगर कोई मतलब आपका डाउट है तो वो बता देता हूं, अदरवाइज क्लास एंड करूंगा, ठीक है। सर अनअकैडमी के चार्जेज इंक्रीज हो गए हैं क्या? बेटा अभी तक तो नहीं हुए, और आगे का मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो अभी मुझे पता नहीं है। अब ये मैनेजमेंट का डिसीजन होगा, तो वो बेटा वही डिसाइड करेंगे, जब हमारे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग आपको जरूर बताएंगे, है ना। चलिए वैक्सीन लेने का भी, हाँ वैक्सीनेशन के लिए बेटा जहाँ भी अवेलेबिलिटी है ना वैक्सीनेशन की, तो सारे लोगों को वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए। और मेरे यहाँ पर अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, बट मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, जैसे ही मुझे स्लॉट मिलेगा तो मैं भी वैक्सीनेशन जरूर कराऊंगा, ना, तो सारे लोगों को बेटा वैक्सीनेशन पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, ठीक है। और पार्थ, अच्छा वो आप आपस में बात कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, आप लोगों की आपस की बातें, सर आपके स्टेटस में मैसेज छोड़ देना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो आज की क्लास एंड करता हूँ, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, और मिलते हैं कल के दिन 4 बजे। और लिंक बेटा आपको इसी के कमेंट बॉक्स में, इसी के चैट बॉक्स में दी हुई है, आप क्लिक करके इनरोल कर दीजिए। ओके, जय हिंद दोस्तों।